एक तो ये मैंने जूड़ा बना के ना आज बड़ा गलत डिसीजन करा है। अरे यार ये पीछे जा, मेरे जूड़े ने मुझे परेशान कर दिया आज। आई कांट डू दिस ऑन कैमरा, मेरा जूड़ा अटक रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू है देन वेलकम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज हम करने वाले हैं एक हैक वीडियो, एक हैक नहीं मतलब बहुत सारे हैक्स की वीडियो। तो मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फैशन हैक्स जो है आजकल आने लग गए हैं एंड इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे जो है हैक्स करने लग गए हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उन हैक्स को ट्राई करके बताऊंगी कि वो सच है या नहीं, वो काम करते हैं, कितने सच है कितने झूठ है, मतलब सब कुछ बताने वाली हूँ। ऑल्सो आज मैं एकदम बिना मेकअप के हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है बिकॉज अभी मैं मेकअप अपनी स्किन पर नहीं लगा रही हूँ। आपने नोट करा होगा मैंने होली के बाद एक भी वीडियो नहीं डाली क्योंकि मुझे होली के कलर जो है रिएक्ट कर गए थे एंड मेरी स्किन बस बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी एंड आई जस्ट कुडंट फेस दी कैमरा, इसीलिए लास्ट वीक भी वीडियो नहीं आई। बट नाउ फाइनली माई स्किन हैज़ रिकवर्ड अ लॉट। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बिना मेकअप के सही बट वीडियो बना लेते हैं एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस पहले हैक में हम एक बेसिक टी शर्ट को एक क्यूट क्रॉप टॉप में बदल सकते हैं, उसकी स्लीव्स को बहुत ही डिजाइनर सुंदर सा बना के। एंड यहाँ पर इन्होंने जो है दो इयररिंग्स लिए हैं एंड उसको जस्ट यहाँ पर इकट्ठा करके इयररिंग में लॉक कर दिया है एंड दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक हाउ ऐसे आइडियाज दिमाग में आते भी कहाँ से है, बट वैष्णवी का दिमाग एक्चुअली में बहुत क्रिएटिव है, उनका इंस्टाग्राम चैनल इतना सुंदर है एंड आप भी उनका इंस्टाग्राम पेज जो है एक बार चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी या हैक करके देखते हैं। तो मेरे पास भी यहाँ पर जो है दो इयररिंग्स हैं, आपको ये गोल्ड डैंगल वाले इयररिंग्स लेने हैं एंड देन आपको इसको सबको इकट्ठा करना है एक जगह पर एंड ये इयररिंग को बस उसमें से पास करना है एंड बस उसको बंद कर देना है एंड इट्स डन एंड यू कैन सी बेसिक स्लीव्स एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंस। आई मीन कितना डिजाइनर लग रहा है, पता नहीं कितना महंगा टॉप खरीदा था बट क्या। दूसरी साइड भी करके देखते हैं, थोड़ा लुक सो फ्रिकिंग क्यूट। मैं इसको भी जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ एंड दिस लुक सो क्यूट। एक्चुअली में ये जो डैंगल्स है ना, ये पता नहीं बहुत ही रिच सा लुक जो है ऐड कर रहे हैं टॉप में, आई डोंट नो क्यू, बट ये चीज़ जो है ये बहुत बहुत फैंसी लग रही है एंड या इट्स दैट सिंपल एंड इट्स सुपर क्यूट, थम्स अप। अब जल्दी से अगला हैक देख लेते हैं। अब अगला हैक एक बेल्ट हैक है। हम सबके पास एक ना एक बेल्ट वाला कुछ ना कुछ कपड़ा होता ही है, चाहे वो ड्रेस हो जंपसूट हो, जिसको हम नॉर्मली ऐसे करके बांध लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके बांध लेते हैं, ऐसे करके बांध लेते हैं, जो कि बहुत बेसिक है, कभी कभी अच्छी नॉट भी नहीं बनती है तो वो सुंदर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मैं एक हैक देख रही थी जिसमें इन्होंने एक रोज की तरह जो है इसको बांधा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अगर ये बनता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने जस्ट एक साइड को नॉट करा है एंड देन रोल करके उसको रोज बना लिया है एंड जस्ट लेट्स ट्राई इट। इनका तो बहुत ज़्यादा सुंदर परफेक्ट लग रहा है एंड या ट्राई करके देखते हैं। सो हमें एक छोटी साइड रखनी है और एक बड़ी साइड रखनी है। छोटी साइड को ऐसे पकड़ के इन्होंने ऐसे फोल्ड किया है एंड दूसरी साइड को ऐसे 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 ट्विस्ट किया है एंड देन दिस इज हैपनिंग। ये बहुत सुंदर लग रहा है, एक मिनट में पूरा कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। दिस जस्ट हैपेंड, ये हो गया और ये बहुत सुंदर लग रहा है। देखने में लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है बट बहुत ज़्यादा आसान है एंड जस्ट लुक एट हाउ प्रिटी दिस इज लुकिंग, इट्स दैट सिंपल। आई मीन एक बेसिक नॉट से तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रहा है और ये सिक्योर भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये खुलेगा एंड आपके आउटफिट को इतना ज़्यादा एलिवेट कर देगा, इतना ज़्यादा फैंसी बना देगा। जस्ट एक नॉट बहुत कुछ कर सकती है एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक। सो गाइस अगला हैक अगेन एक टॉप का हैक है, मतलब शर्ट को एक टॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इन्होंने यहाँ पर शर्ट ली है, उसके फर्स्ट थ्री बटन्स क्लोज करे हैं एंड देन उसकी स्लीव्स को क्रिस क्रॉस करके सेफ्टी पिन से टक करा है एंड नीचे एक नॉट बांध लिया है। इट्स दैट सिंपल एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड लेट्स जस्ट ट्राई। सो हम अपनी सबसे फेवरेट मनपसंद पोल्का डॉट शर्ट यूज़ करने वाले हैं एंड इसको मैं यहाँ पर पकड़ लेती हूँ एंड देन यहाँ पर इसको बंद कर लेना है। सेकेंड बटन पर बंद कर रही हूँ तो वो हो नहीं रहा, थर्ड पर ज़्यादा लूज हो रहा है, इसलिए सेकेंड पर ही हमें
जीत हासिल करनी पड़ेगी। 2 hours later. It is finally done. इतनी देर से। Then मैंने एक बटन और बंद कर लिया है। And then हमें इसको लेना है और इधर साइड वाला इधर साइड लाकर अंदर को करना है एंड जो इधर साइड वाली स्लीव है उसको इधर साइड करना है एंड इसको नॉट बांध देनी है एंड यू आर डन। इसको बिना टॉप के मैं पहन कर आती हूँ। दिस इज द फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत सही लग रहा है आगे से, मतलब इट्स जस्ट बॉम्ब। बट पीछे से उनके जैसा लुक तो नहीं आ रहा है, उनका ना काफ़ी रिच वाला, जैसे अच्छे वाले सैटिन टॉप्स होते हैं वैसी वाली बैक आ रही थी, बट मेरी बैक वैसी नहीं आ रही है। बट आई गेस मैं इसको यहाँ पर एक वी सा बना के सेफ्टी पिन से फिक्स कर सकती हूँ अगर मैं इसको कहीं बाहर पहनना चाहती हूँ तो। बट दिस जस्ट लुक सो सो प्रिटी एंड दिस इज़ वेरी सिक्योर। यहाँ पर आप अभी मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगाया तब भी ये इतना सिक्योर लग रहा है, अगर आप सेफ्टी पिन लगा दोगे तब तो जस्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिस इज जस्ट परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आई जस्ट लव इट एंड या दिस लुक्स सो क्यूट। ऑल्सो गाइज आई क्विकली वॉन्टेड टू शो यू ऑल माई हेयर केयर रूटीन विच आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम लाइक पास्ट 3 months फ्रॉम फेब्रुअरी। आई मीन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स कंडीशनिंग विच हैज मेड माई हेयर सो सो मच बेटर एंड बिलीव मी दिस प्रोसेस हैज ड्रास्टिकली चेंज द वे माई हेयर लुक बिफोर एंड द वे इट लुक्स नाउ। इट नाउ इट लुक्स सो मच शाइनियर एंड इट्स लाइक एब्सोल्युटली फ्रिज फ्री। एंड टूडे आई विल बी यूजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाउ स्किन साइंस, सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव इन टू इट। So here I have Wow Skin Science Onion Black Seed Oil Shampoo and Conditioner. आपको पता है कि अनियन एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो हेयर्स के लिए मैजिकली काम करता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेयर फॉल अनियन कैन डू वंडर्स टू योर हेयर। नाउ दिस शैम्पू एंड कंडीशनर क्रीम दैट दे विल रिड्यूस हेयर फॉल, रिपेयर डैमेज्ड हेयर एंड ऐड लस्टर टू डल लिम्प हेयर। नाउ स्टेप टू इज टू कॉम योर हेयर बिकॉज वी आर गोना डू अ लॉट ऑन आवर हेयर। स्टेप वन वॉज ऑयलिंग जो मैंने एक दिन पहले ही रात को अपने रेगुलर हेयर ऑयल से कर ली थी। As you can see मुझे बहुत कम हेयर फॉल हुआ जबकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा नॉट्स थे जो मैंने अभी ब्रश आउट किए हैं। नाउ स्टेप 3 इज़ टू अप्लाई कंडीशनर। येस हम शैम्पू से पहले कंडीशनर लगाने वाले हैं इसीलिए इसको रिवर्स कंडीशनिंग बोलते हैं। मैं अपने ड्राई बालों पर ही जो है कंडीशनर लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो अपने गीले बालों में भी लगा सकते हैं। एंड मैं सिर्फ हेयर की स्ट्रैंड्स पर काम करूँगी, स्कैल्प पर कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब हम कंडीशनर पहले इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें बालों की फ्रिजीनेस ख़त्म करनी है जिसके लिए हमारे बालों को मॉइस्चर चाहिए होता है, इसीलिए हम 2 बार कंडीशनर लगाएंगे या आप 1 बार कंडीशनर एंड एंड में मास्क भी लगा सकते हो। एंड मैं हेयर की एंड्स को जो है बहुत अच्छे से कंडीशन कर लूँगी बिकॉज वही जो पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा ड्राई होता है हमारे बालों का। नाउ आई विल वेट फॉर 10 to 15 minutes एंड उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी। आई एम गोना यूज़ दिस वाउ स्किन साइंस अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। This is transparent and has this gel sort of consistency. And अब शैम्पू को मैं सिर्फ अपने स्कैल्प पर फोकस करने वाली हूँ बिकॉज वहीं पर जो है हमारे बाल सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं एंड शैम्पू का काम बालों को साफ करना होता है, तो मैं स्कैल्प को अच्छे से मसाज कर लूँगी। अगर आपने स्ट्रैंड्स पर ऑयल ज़्यादा लगाया है तो ही आपको शैम्पू को जो है ज़्यादा स्ट्रैंड्स पर फोकस करना है, वरना आप उसको बस ऊपर बचे हुए शैम्पू से ही रब कर सकते हो। सिलिकॉन एंड पैराबिन हमारे बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसीलिए वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट आर कम्प्लीटली सिलिकॉन एंड पैराबिन फ्री। नाउ आई एम गोना क्विकली वॉश माई हेयर एंड यहाँ पर मैं एक टॉवल की बजाय कॉटन टी शर्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो माइक्रोफाइबर टाल भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम नॉट यूजिंग एनी रेगुलर टाल बिकॉज वो रफ होता है एंड दैट लीड्स टू हेयर ब्रेकेज। नाउ आई एम गोना अगेन टेक द कंडीशनर एंड मैं इसको फिर से अपने बालों पे सेम ही मेथड से लगाने वाली हूँ, सिर्फ स्ट्रैंड्स पर फोकस करना है, स्कैल्प पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। एंड देन मैं अपने बालों को टाई करके एक बन में बांध लूँगी एंड मैंने अपने हेड रैप को बहुत गर्म पानी में भिगो लिया था एंड नाउ आई एम गोना क्विकली रैप इट अराउंड माय हेयर। इससे मेरे बालों को अच्छी स्टीम मिलेगी, बिल्कुल वैसी जैसे हम हेयर स्पा करवाने जाते हैं तब मिलती है। एंड नाउ आई एम गोना वेट फॉर 10 minutes देन आई एम गोना वॉश माय हेयर अगेन एंड कॉटन टी शर्ट से जो है स्क्वीज आउट कर लूंगी एक्सेस वाटर। देन आई एम गोना यूज माय रेगुलर हेयर सीरम एंड आई विल अप्लाई इट ऑन माय हेयर। एंड देन जब मेरे बाल थोड़े से सूख जाएंगे तो मैं उसको एक ब्रश की मदद से नॉट्स निकाल लूँगी। एंड अगेन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे हेयर फॉल बहुत कम हुआ है एंड इतना तो मतलब नेचुरली होता ही है। एंड देन फॉर द लास्ट सेक्शन आई एम गोना डिवाइड माई हेयर इन 4 और 6 sections
एंड मैं उसको जस्ट बहुत नॉर्मली रोल आउट कर लूँगी ताकि मेरे बाल जो है ज़्यादा फैले ना, बिकॉज जितना फैलेंगे उतना ज़्यादा फ्रिजीनेस बढ़ जाती है मेरे बालों में। पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एंड मैं हर 10 से 15 मिनट के बाद जो है अपने बालों को ऐसे ही रोल आउट करती रहती हूँ। एंड या आई एम डन, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बालों में बहुत कम फ्रिजीनेस है। मैं बता नहीं सकती मेरे बाल पहले कैसे दिखते थे, एंड इस शैम्पू से बहुत ड्रास्टिक चेंज जो है आया है। एंड इनके प्रोडक्ट के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड या सो अगले हैक में इन्होंने बोला है कि आप एक बेसिक बोरिंग, बहुत बोरिंग होते हैं कार्डिगन्स, मतलब मेरे को पता नहीं बस पसंद नहीं है, बेसिक बोरिंग से कार्डिगन को एक सुंदर से श्रग में पहन मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, उसको जस्ट आपको उल्टा पहनना है एंड इट इज़ जस्ट दैट सिंपल। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। सो ये रहा कार्डिगन जो मेरा है भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कार्डिगन है ही नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ये मम्मा का है। बस इसको हमें ऐसे उल्टा करना है और फिर पहनना है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला है। जस्ट आई गेस थोड़ा सा ऐसे लुक देना है, बैगी सा, एंड मैं मिरर में देख के आती हूँ। ओह एंड आई एम जस्ट लुक एट दिस। ये मतलब मैं कैसे बताऊँ, वो वाली फ़ोटोज़ होती है ना जो एकदम एलीट क्लास रिच वाली, वो लग्जोरियस वाले कपड़ों वाली फ़ोटो, उसमें वो लड़कियाँ जो ऐसे ओवर साइज सी अच्छी कोजी कोजी सी श्रक्स पहनती हैं, ये एकदम वैसे ओवरकोट जैसी लग रही है। दिस लुक सो सो प्रिटी। मुझे नहीं पता मैंने सर्दियों में ये हैक क्यों नहीं ट्राई करा, जब सर्दियाँ चली गई हैं तब मुझे ये हैक सूझ रहा है, बट कोई बात नहीं, चलो मैं अगली सर्दियों के लिए इसको पक्का बुक करके रखने वाली हूँ। दिस लुक सो क्यूट, मतलब दिस इज जस्ट, मैं तो बहुत खुश हूँ। दिस इज़ लाइक सो कम्फी, यहाँ से जो है बहुत खुला डुल्ला सा है ये, पीछे से भी ये ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ख़राब लग रहा है। हाँ पता लग रहा है कि नेक है, बट दैट इज़ इन लुकिंग बैड, बट या दिस इज़ लाइक वेरी वेरी कोजी, आई एम जस्ट इन लव विद दिस हैक। सो अगला हैक भी एक टी शर्ट हैक है, एंड यहाँ पर जो है इन्होंने टी शर्ट को लिया है एंड देन उसको ट्विस्ट करा है एंड देन उसको कुछ 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 करके पहन लिया और वो बहुत सुंदर क्रॉप टॉप निकला है, एंड पहन कर देखते हैं। सो ये रही मेरी टी शर्ट एंड ऐसे एक तरफ ओ माय गॉड, मेरी लैंग्वेज को आज हो क्या गया है। एंड टी शर्ट को पकड़ना है, दूसरी साइड से टी शर्ट को ऐसे हाथ डालना है एंड देन उसको ऐसे यहाँ पर गैदर करके नेक से हाथ निकालना है एंड ऐसा सा कुछ दिखना चाहिए था, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए था। थोड़ा सा और बीच में लाते हैं एंड अब इसको पहनकर देखते हैं। और दिस इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बन गया जो भी बना है। हो गया, बट ये तो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। इसको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन भी लगाते हैं, मैं इसके बिना इसको पहन के आती हूँ और यहाँ पर सेफ्टी पिन भी तभी लगा कर आऊंगी। एंड पीछे से ये बहुत सुंदर बैकलेस बटरफ्लाई सा लुक दे रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है पीछे से भी, मतलब एकदम ही बैकलेस है और मैं इतना बैकलेस बाहर नहीं पहन सकती हूँ, आई एम जस्ट नॉट कम्फर्टेबल। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर एक जैकेट ऐड कर देंगे एंड मैं इसको चेंज करके आती हूँ। सो दिस इज दी होल सिचुएशन गोइंग ऑन हेयर, ये बहुत बहुत ज़्यादा क्रॉप है, मैं इतना क्रॉप टॉप बाहर नहीं पहन सकती हूँ, मतलब आई एम जस्ट नॉट कम्फर्टेबल। एंड मोर ओवर ये बैकलेस भी है एंड मेरा जो शर्ट टी शर्ट का फैब्रिक है ना, आई डोंट नो, फैब्रिक स्ट्रेचेबल तो था बट स्टिल मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है और यहाँ से बहुत टाइट फील हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। बट जिनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल टी शर्ट है एंड वो बैकलेस पहन सकते हैं, इतना ज़्यादा क्रॉप टॉप पहन सकते हैं, उनके लिए दिस हैक रियली गुड हैक। आई डोंट से दिस इज नॉट प्रिटी, बट मेरे लिए दिस इज जस्ट नॉट एप्रोप्रिएट। अगर मुझे इसको यहाँ पर पहनना होगा तो मैं इसको ऐसे करके पहनने वाली हूँ। एंड So guys, that is all for today's video. I hope you all liked it. If you liked the video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel and comment down below what you want next. And bye-bye.